एंड वेलकम टू चैनल इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश तो आज हम करने वाले हैं किस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जैसे कि आपको पता है कि जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं तो अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं प्लस आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स चूज द वन विच कैन बी सब्सिट्यूटेड फॉर द गिवन डेफिनेशन तो पहले हमें बताना सब्सटीट्यूट बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूट तो पहला क्वेश्चन है हमारा मेडिसिन मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल द डिजीज मतलब ऐसी दवाई जो कि सारी बीमारियों का इलाज होती है तो इस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रामबाण अब इंग्लिश में इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहला है प्लेसबो प्लेसबो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए एक हार्म हार्मलेस एक मेडिसिन होती है बी इज़ एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक हम सबको पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है सी इज़ पेनसिया पेनसिया यानी कि रामबाण तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि जो ऐसी दवाई जो कि सभी बीमारियों का इलाज होती है उसको हम बोलते हैं पेनासिया रामबा पेनाजेसिक का मतलब होता है एक पेन किलर टेबलेट होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पेनासिया ठीक है इसका स्पेलिंग आप याद कर लें पेनासिया पी ए एन ए सी ई ए ठीक है क्वेश्चन बी इज अ पर्सन हु इज़ लाइक्ड बाय ऑल तो एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारे जिसको सब लोग पसंद करते हैं ठीक है तो इसका ऑप्शन ए इज फेमस बी इज पॉपुलर सी इज जेंटल एंड डी इज जीनियस तो हम पहले इसमें क्या करते हैं एलिमिनेट करते जाते हैं जो इनकरेक्ट लगता है तो जीनियस ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि जीनियस यानी कि इंटेलिजेंट जेंटल जेंटल का मतलब होता है पोलाइट डिसेंट यानी विनम्र स्वभाव का तो ये भी नहीं होगा ठीक है अब बच गए फेमस और पॉपुलर इन दो में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं तो फेमस का मतलब होता है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं वन हु इज नॉन बाय मेनी पीपल और वन हु इज़ लाइट बाय मेनी पीपल इज पॉपुलर तो करेक्ट ऑप्शन इज बी जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं दैट इज़ पॉपुलर और जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं उसको बोलेंगे हम फेमस ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट टू द टू द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस कि जो मतलब एंटोनिम बताना, बताना है बेसिकली हमें अपोजिट बताना है ठीक है तो क्वेश्चन है हमारा ही वॉज़ फाउंड गिल्टी तो हमें यहाँ पर गिल्टी मतलब वो दोषी पाया गया गिल्टी यानी दोषी तो हमें यहाँ पे गिल्टी का अपोजिट बताना है तो आइसोलेटेड डी आइसोलेटेड आइसोलेटेड का मतलब एकांत में रहने वाला ठीक है सी इज़ स्मग स्मग का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन जो होता है उसको बोलते हैं हम स्मग बी इज यूजफुल यानी कि उपयोगी एंड ए इज इनोसेंट यानी कि निर्दोष मासूम तो इसका आंसर हो जाएगा गिल्टी का अपोजिट क्या हो जाएगा इनोसेंट यानी कि मासूम ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा ए इनोसेंट ठीक है चलिए ऑप्शन फोर सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर द विंड शील्ड ऑफ माई कार इज तो मेरी जो कार की जो विंड शील्ड है तो उस वो क्या हो गई है वो क्या ओपेक ओपेक का मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है नॉन नॉन ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं ठीक है नॉट ट्रांसपेरेंट ओके तो ओपेक का अपोजिट क्या होगा इसके अंदर ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट सी इज रिस्ट्रिक्टिव एंड डी इज इंसुलेटेड अब वैसे हमें पता है कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट में से कुछ होगा ठीक है लेकिन पहले सी और डी को भी हम जान लेते हैं रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि प्रतिबंध लगाना और इंसुलेटेड इंसुलेटेड का मतलब किसी चीज़ को कवर करना ताकि कोई भी हीट साउंड या इलेक्ट्रिसिटी अंदर ना आ सके अब चलते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसका जिसके आर पार देख देखा जा सकता है और ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शली ट्रांसपेरेंट होता है ये सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब थोड़ा बहुत आर पार देखा जा सकता है अब अगर यहाँ पे सिर्फ ओपेक होता तो इसका आंसर होता ट्रांसपेरेंट ऑप्शन बी लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वाइट ओपेक यानी कि जो है वो पूरा ओपेक नहीं है पार्शली ओपेक है मतलब थोड़ा बहुत धुंधला है, है ना तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसलूसेंट यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट है वो ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन एंड टर्न टू सॉल्व द क्राइम तो इसका ऑप्शन ए है यूज ऑल अवेलेबल मीन्स बी इज एवरीवेयर सी सीट इंटेरोगेटेड ऑल द सस्पेक्ट एंड डी इज टर्न्ड ऑल द स्टोन्स तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्टोन से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जो फ्रेजेस वगैरह होती हैं उसके अंदर एडियम्स फ्रेजेस होते हैं उसमें लिटरल मीनिंग नहीं देखा जाता ठीक है तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका ए होगा यूज ऑल अवेलेबल मीन्स ठीक है कि जितने भी उनके पास संसाधन थे जिस भी तरह से वो कल्प्रेट तक या पहुँच सकते थे तो वो होगा ए वो उन्होंने सारे मीन्स उन्होंने यूज़ कर लिए सारे माध्यम यूज़ कर लिए तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर सो ना क्वेश्चन नंबर सिक्स राम इज़ वन पर्सन हु कैन पुट टू एंड टू टूगेदर तो राम एक इंसान है जो दो और दो को साथ रख जोड़ सकता है या साथ रख सकता है तो यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स uh, वाला टू एंड टू नहीं है मतलब ऐसा इंसान है जो लॉजिकल सोचता है कि हाँ चीज़ों को ऐसा मतलब नहीं कि किसी चीज़ को किसी और चीज़ से लिंक कर देगा नहीं जो दो डॉट्स को मतलब जो लॉजिकली सोचता है उससे मतलब यहाँ पे तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग ड्रॉ ड्रॉइंग ड्रो एंड इन करेक्ट इन्फेरेंस एट द टू सिचुएशंस डू सम्स इन मैथ्स एंड रीजन लॉजिकली तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीजन लॉजिकली यानी जो तर्कपूर्ण विचार रखता है ठीक है मतलब दो अलग दो ड्रॉट्स को जोड़ सकता है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन इज चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसिस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन देंटेंस तो हमें जो इन अ वे बताना है ठीक है तो हु फॉर द मिल मील तो कौन है जो बिल क्या करेगा या फुट का मतलब क्या आएगा टीयर अब ओब्वियसली कि कौन बिल फाड़ने वाला है ये तो नहीं पूछेंगे रिकवर से भी यहाँ मतलब नहीं होगा डेबिट से भी नहीं होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी तो फूड का मतलब यहाँ क्या होगा हु इज गोइंग टू पे द बिल फॉर द मील ठीक है खाने के लिए बिल कौन पे करेगा चलिए क्वेश्चन नंबर एट इज वी शुड इरेडिकेट रेडिकेट पोवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री कि हमें जो एरेडिकेट मतलब होता है कि जड़ से मिटा देना किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना ठीक है तो इसका ऑप्शन ए इज रिमूव मतलब नष्ट कर देना बीस कंट्रोल ऑब्वियसली हम पॉवर्टी हमें सिर्फ कंट्रोल नहीं करनी है डिक्रीज यानी कम भी नहीं करनी है कंडेम यानी हमें सिर्फ निंदा भी नहीं करनी है तो रेडिकेट का क्या होगा रिमूव तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा रिमूव यानी हटा देनी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ओनली वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड मतलब एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है सो ऑप्शन इज एक्सेंट एक्सेंट यानी कि प्रोनाशिएशन उच्चारण जो हम बोल रहे हैं वो ठीक है बीज एसेंट एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना ठीक है या इन्वेजन या आक्रमण से भी होता है इसका मतलब सी इज एडिक्शन यानी किसी चीज़ की लत एंड डी इज एब्सोल्व एब्सोल्व का मतलब दोष मुक्त करना ठीक है तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो है एडिक्शन की क्योंकि एडिक्शन में क्या आता है ए डबल डी आता है ए डबल डी आई सी टी आई ओ एन ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं इलीगल इलीगल आपको पता है गैरकानूनी इंस्टॉलमेंट इंसॉलमेंट का मतलब होता है दिवालिया या बैंक ठीक है इंस्टॉलमेंट यानी कि बैंक क्रप्ट एंड डी सी इज इमिटेशन यानी कि किसी को इमिटेट करना अनुसरण करना एंड डी इज इमीग्रेशन तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो होता है वो है इमिटेशन की यहाँ पे डबल एम नहीं आएगा सिंगल एम आएगा आई एम आई टी ए टी आई ओ एन ठीक है चलिए इमिग्रेशन का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में जाना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे हमें एक सेंटेंस के चार पार्ट दिए गए हैं मतलब हमें एरर बतानी है कि कौन से पार्ट में एरर है तो ऑप्शन ए इज इफ़ यू वांट टू गेट और फर्स्ट क्लास यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड तो अभी हमको अच्छे से पता है कि फर्स्ट क्लास जहाँ पे भी ऑर्डिनरी नंबर आ जाते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है तो यहाँ पे ए जो है वो गलत है यहाँ पे क्या आ जाएगा ए की जगह द ठीक है इफ यू वॉन्ट टू गेट द फर्स्ट क्लास यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड कि अगर आप फर्स्ट आना चाहते हैं फर्स्ट क्लास आना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट वन इज एन एयरलाइन पायलट अर्नस अ लॉट ऑफ मनी इन अ फॉरिन कंट्री यानी कि एक एयरलाइन पायलट जो है फॉरन कंट्री में बहुत ज़्यादा मनी कमाता है ठीक है यहाँ पे एन जो है वो नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा वी डू नॉट यहाँ पे यहाँ देखिए वी डू नॉट यूज ये देखिए आप वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर फ्लूरल काउंटेबल नाउंस यूज इन अ जनरल सेंस ठीक है तो यहाँ कम्युनिटी की बात हो रही है किसी एक पायलट की बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा जो आता है ना हमारा नो पार्ट आ, नो आर्टिकल वाला तो वो यहाँ पे यूज होगा आ, आ, यहाँ पर आ जाएगा एल एन पायलट अर्नस अ लॉट ऑफ मनी इन अ फॉरन कंट्री यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा इसके लिए आप नोट देख लीजिए वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउंस यूज इन अ जनरल सेंस चिल्ड्रन यूजअली रश अबाउट ये इसका एक एग्जाम्पल एक मैंने ले रखा है जैसे कि चिल्ड्रन से पहले हम लोगों ने आर्टिकल यूज़ नहीं किया है हालांकि कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसके अंदर हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट वन है एज आई थाट द चिल्ड्रन वुड बी अनहैप्पी अबाउट द अबाउट क्लियरिंग आउट देयर टॉयज़ तो यहाँ पे क्या हो जाए जो इनकरेक्ट ऑप्शन है क्लियरिंग आउट है क्लियर क्लियरिंग आउट क्यों है क्योंकि एक फ्रेज होती है जो कि होती है क्लियर आउट तो ये यहाँ पे ये जो है ये ऑप्शन गलत होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट वन इज कंप्लीट ई सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड चूजन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स हमें यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है ठीक है तो चलिए वन वंस ही हैज़ मेड मेड अप हिज माइंड इट इज यहाँ पे डैश होगा इट इज डैश टू आर्ग्यू विद हिम तो क्या है इसका ऑप्शन मतलब अगर एक बार उसने अपना दिमाग सेट कर लिया तो इसके उसको मतलब कर, आर्ग्यू करना उसका कोई पॉइंट नहीं है मतलब इसका मतलब ये ठीक है तो ये क्या हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट्री मतलब होता है विरोधाभास ठीक है फ्यूटाइल यानी पॉइंटलेस है सी इज़ बेटर मतलब बेटर मतलब अच्छा एंड डी इज़ यूजफुल तो यहाँ पे हमें जैसा कि सेंटेंस से पता चल रहा है आर्ग्यू तो हमें आर्ग्यू करने का उससे कोई मतलब नहीं है इसका मतलब ये होगा फ्यूटाइल यानी कि अगर एक बार उसने अगर अपना दिमाग सेट कर लिया तो फिर उससे आर्ग्यू करना क्या है व्यर्थ है तो वन वंस ही हैज़ मेटअप हिज माइंड इट इज़ फ्यूटाइल टू आर्ग्यू विद हिम कि उससे बा, बात करना आर्ग्यूमेंट करना क्या है पॉइंटलेस है ठीक so, है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राम अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल एड ही वॉज द सेम सोके तो एड एड का मतलब होता है सपोर्ट या हेल्प या सहायता ठीक है तो राम ने एक फाइनेंशियल सहायता के लिए उसने अप्लाई किया था और उसको वो चीज़ मिल गई है तो जब हम कहीं अप्लीकेशन लगाते हैं तो हमें क्या होता है हमें अगर हम उस चीज़ की परमिशन मिल जाती है तो हमें क्या होता है वो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं ग्रांटेड तो ऑप्शन ए इज़ करेक्टेड